आपके सामने अभी 4 BHK, इसका मतलब 4 बेडरूम का हाउस प्लान हमने लेकर आया है। तो क्या है 4 बेडरूम में, तो चलिए उसको हम पहले आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो जो है 22 फीट 0 इंच डायरेक्शन, ओके, एंड 70 फीट। मुझे कोई सब्सक्राइबर ने इसका मेजरमेंट सेंड किया था, ठीक है, उसके हिसाब से हमने इसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर वही सब्सक्राइबर एक प्लान देख रहे हैं तो देखने के बाद आप फीडबैक देना कैसा लगा आपको, ठीक है। तो उससे बाद हम क्या करेंगे, इसका जो आउटसाइड वॉल हम ऐसे ही यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, और इसमें जो है आउटसाइड इनसाइड जो वॉल है हमने यहाँ पर 125 या 5 इंच का वॉल यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आपको अगर इसमें चेंज करना है 5 इंच से आउटसाइड में 10 इंच का करना है तो आप कर सकते, जैसे मैंने इसे पिछले वीडियो में हमने किया था। तो यहाँ पर जो देखिए हमने ऐसे रखेंगे इनसाइड वॉल आउटसाइड पार्टीशन वॉल सब कुछ यहाँ पर 5 इंच हमने प्रोवाइड किया है। अगर आपको इसमें वॉल पोजीशन या कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है प्लान के अंदर तो आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी ऐसे वॉल ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे। बाकी जो जगह यहाँ पर हमने गैप रखा है यहाँ पर हमने विंडो का पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हमने 4 साइड ओपन रखा है, लेकिन आपके पास अगर 3 साइड ब्लॉक है तो आपको अंदर की तरफ कोई डार्ट या शैम्प का इस्तेमाल करना होगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो एयर वेंटिलेशन है यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा। तो हमने देखिए यहाँ पर ऐसे वॉल और अंदर में जो विंडो ऐसे हमने प्रोवाइड किया है, पार्टीशन वॉल भी, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो विंडो यहाँ पर हम थोड़ा सा विंडो का पोजीशन जस्ट लाइन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर विंडो ऐसे। तो विंडो आपको साइड में नहीं चाहिए तो आपको चेंज करना होगा प्लान का पोजीशन वाइज, एक डार्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप डार्ट प्रोवाइड करके इस जगह को, इस विंडो को, इसका वेंटिलेशन जो है एयर वेंटिलेशन आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हमने क्या करेंगे यहाँ पर एक बात, यहाँ पर जो है ऐसे कोई विंडो नहीं रखेंगे हम, यहाँ पर ऐसे रखेंगे विंडो नहीं रखेंगे। उसके बाद इसका जो तो ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे, इसका बाहर का डोर ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे, इसका घर के आने का डोर ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओपन रहेगा ऐसे डोर, देखिए डोर, ओके, ऐसे डोर। तो इसके बाद यहाँ पर ऐसे डोर हमें प्रोवाइड करना है, ऐसे यहाँ पर डोर प्रोवाइड करना है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पर विंडो का हम ऐसा तो यहाँ पर प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर फीट है टोटल स्क्वायर फीट 22 into 70 इज इक्वल टू 1540 स्क्वायर फीट, ओके। नेक्स्ट इसका तो जैसे विंडो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है ऐसे विंडो का पोजीशन भी और भी कुछ बाकी है यहाँ पर, यहाँ पर वेंटिलेशन, ओके। तो उसके बाद इसका जो डिटेलिंग करने से पहले हम इसका जो है इधर से और इधर से एंट्री एंड एग्जिट दोनों एक साथ रखेंगे। यहाँ पर एक बेल्कनी प्लस पोर्च यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट क्या आएगा, 7 फीट बाई 7 फीट यहाँ पर गेट, ओके, यहाँ पर ड्राइंग
this is stair up upper door bedroom यहाँ पर door okay और इसके बाद इसका measurement 12 feet 11 feet 6 inch यहाँ पर जो है nine feet and 10 feet यहाँ पर 13 feet 2 inch यहाँ पर देखिए drawing के लिए हमने यहाँ पर sofa set रखा है 13 feet इसमें 3 feet 3 feet 3 feet का जगह रखता है ठीक है यहाँ पर door यहाँ पर जो जगह है 8 feet 9 inch and 23 feet 5 inch open space door bedroom distance 12 feet bedroom distance 12 feet and 11 feet 6 inch and 11 feet 6 inch okay यहाँ पर dining तो यहाँ distance 13 feet 9 inch and 14 feet 10 inch floor bath and latrine यहाँ पर 8 feet यहाँ पर 8 feet 5 feet 5 feet door bedroom door kitchen इसका फर्नीचर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है तो door यहाँ पर जो है 12 feet 11 feet 6 inch यहाँ पर जो distance 9 inch 8 feet 9 inch and 7 feet 8 inch आउटसाइड जो वॉल इसका 5 इंच इनसाइड पे इधर भी 5 इंच एंड इनसाइड वॉल 5 इंच ठीक है तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसका जो है कॉलम पोजीशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो चलिए कॉलम पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे हम कॉलम ऐसे प्रोवाइड करेंगे देखिए तो 10 इंच बाई 12 इंच 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कॉलम का पोजीशन चेंज या ऐड कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉलम जो है 10 इंटू 12 इंच का कॉलम और टोटल बिल्डिंग कॉस्ट इसका जो बिल्डिंग कॉस्ट ₹20 लाख यहाँ पर खर्चा आएगा इसका टोटल 22 इंटू 70 फिट का है ठीक है यहाँ पर तो इसके बाद इसका फर्नीचर जो है आपने यहाँ पर देखा थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अच्छे लगे तो और एक बात यहाँ पर देखिए एक बालकनी है जो हमने बालकनी भूल गया था यहाँ पर तो इस बालकनी का जो पार्ट है यहाँ पर हम इसे रखेंगे इस बालकनी को तो इस बालकनी का जो साइज है यहाँ पर 8 फीट एंड 4 फीट बैठने ठीक है तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो